किसको लेना किसको नहीं लेना, कहाँ ये शुरू हुआ था कि सबको देना है और अब ये परिस्थिति पैदा हो गई है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर सरकार को जो है, अभी सदन चल रहा है और जो बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि 27 तक जो है हम लोग जो हैं आर्थिक जो स्थिति है इसको ठीक कर लेंगे और 32 तक देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो उसके ऊपर अपना रोड मैप बता दें, श्वेत पत्र जारी करें कि ये चीज़ें हैं इनको करके जो है ये प्रदेश आगे की ओर बढ़ेगा, तब तो कोई विश्वास करेगा, सिर्फ बोलने से थोड़ी होगा। सुधीर जी, आर्थिक संकट तो है नहीं, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं सिस्टम को सही करने की कुछ परेशानी जरूर यहाँ पर होगी। सुधीर जी, मुख्यमंत्री जिस दिन सत्ता में आए उस दिन से आर्थिक संकट बोलते रहे, अब क्योंकि बाकी प्रदेशों में चुनाव है तो कह रहे, अब हाल ही में जैसे ये 3 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं तो अपनी जो है स्टेटमेंट बदली है कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। जब अगर ठीक है तो ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों हैं? सुधीर जी, मुख्यमंत्री ने एक शब्द प्रयोग किया है, उन्होंने कहा है फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए ये कदम सरकार उठा रही है। ये आप पहले इनडिसिप्लिन कर लो और उसके बाद जो है वो कहो कि अब मैं डिसिप्लिन रहूंगा। ऐसा है कि अगर आप किसी का कत्ल कर देते हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं तो व्यक्ति जीवित थोड़ी हो जाएगा और कत्ल की सजा तो जो होती है वही रहेगी। तो ये सेम वही परिस्थिति है। तो पहले ही आपको आते ही डिसिप्लिन में अगर आप आ गए होते तो आज 2 वर्ष होने को आ रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं होती। ठीक है, धन्यवाद।